तैयबा आपसे बात करता रहूंगा साथ साथ। जी तैयबा सर। बेटे, इसमें ये आपका एक्चुअल थीसिस है जिसकी टाइपिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने स्पीडी वर्क करना है, जी सर। हदीका हदीका और मामन शर्जील सुनेंगे बेटा। जी अगर जी सर। आपने जी स्पीडी सर। जी सर। वर्क करना चाहते हैं तो आपको शुरू दिन से ही टेम्पलेट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ये देख रहे हैं कि नीचे ये कितने वर्ड्स इसके पहले हिस्से मौजूद हैं, तकरीबन 4000 वर्ड्स जो हैं वो पहले से ही आपके लिखे पड़े हैं टेम्पलेट में, आउटलाइन डेवलप हुई है। इसका मतलब है 16000 वर्ड्स आपने लिखने हैं तो आपका थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बड़े शॉर्ट टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने फोकस्ड वे में अपनी जो रिसर्च है वो कंडक्ट करनी है और राइटअप करना है। पहला काम ये है, पहला काम क्या करना है कि टाइटल अपना यहाँ जी लिख सर। सकती हैं। यस सर। यस जी सर। सर। जी सर। तैयबा, एक चीज का ख्याल रखना है कि टाइटल की टेक्स्ट जब पेस्ट करें यहाँ पर तो वो एज इट इज वाली होनी चाहिए, जिससे कीप टेक्स्ट ओनली। कीप उससे टेक्स्ट क्या ओनली। होता है, यस सर। उससे ये होता है कि ये जो फॉन्ट साइज है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। नहीं होती। जी अगर कहीं पे सर। पेस्ट करेंगे, अगर आपने टाइप करना है तो वो एक एक अलग चीज है। समझ आ रही है बात की? जी सर। आगे सर। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे? अपना ऑब्वियस सी नाम, बात है, यहां पे आईडी, आईडी ये नंबर। फर्स्ट पेज जो है आपका कंप्लीट हो गया, यानी थीसिस का आपने फर्स्ट पेज लिख दिया। दूसरे पेज पे आ जाएं, वो क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट है। इसमें आप शुक्रिया अदा करते हैं मुख्तलिफ लोगों का, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिसका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, और उसने क्या लिखें कि किस तरह से सपोर्ट किया है। एक आध जी सर। मॉडल थीसिस आप सामने रख लें कि उसने कैसे लिखा हुआ है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप, अच्छा मैं भी इसको इस तरह से लिख लूं। तो वैसे तो ये आउटलाइन में आप कुछ गाइडलाइंस मिलती जाती है। ये जहन में रखनी है बात बच्चे के, ये जो फॉर्मेट इसका बना हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। मसलन आप, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रंग हेडिंग्स में कलर्स यूज करना शुरू कर देते हैं, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्टेबल जो टेम्पलेट है वो वही यूज कर रहे हैं। थीसिस जो है वो इसी की बेस पे एक्सेप्ट होगा। मतलब ये है कि जो फॉर्मेटिंग इसमें है वही रिक्वायर्ड है। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। जी ठीक है। सर। सर कलर भी और अगर हम आखिर कलर भी अगर यूज करते हैं तो उसका प्रिंटिंग में मसला आता है कि प्रिंटिंग जो होती है वो थोड़ा सा जो ब्लैक को अपना कलर होता है, अगर हम कलर वो करवाएं तो ब्लैक प्रिंट में भी उसका नजर आ रहा होता है कि ये अलग कोई कलर यूज किया हुआ है, और वो बेसिक ऑब्वियसली मतलब अगर आप प्रोफेशनल वे देखें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ये जो है एक्नॉलेजमेंट के बाद, इसमें आप हर उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने आपको थीसिस राइटिंग में हेल्प दी। कोई पेरेंट्स को करता है, कोई सुपरवाइजर को शुक्रिया अदा करता है, कुछ अपने कोलीग्स का शुक्रिया अदा किया जाता है, कुछ लाइब्रेरी वालों का शुक्रिया अदा किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे जिन वो हर वो उस बंदे का शुक्रिया अदा किया जाता है जो जिसने आपको थीसिस राइटिंग में सपोर्ट दी है, ठीक है। उसके जी बाद सर। जब ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है तो फिर यहाँ पर अपना नाम लिखें, इसी तरह बीच में जिस तरह से ये लिखा हुआ इसी तरह अपना नाम इधर लिख दें। और फिर उसके बाद डेडिकेशन का सेक्शन है, यहाँ पर आप डेडिकेट करेंगे कि ये किसको थीसिस जो है आप किसके नाम करना चाहें। एक तो अभी
ये जो देखें कि ये एक खासा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि आपको ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना। तो मैंने इसका टेम्पलेट बनाते हुए ये टेबल ऑफ कंटेंट पहले से ही बना दिया है, और ये फर्दर अपडेट भी हो जाता है जब आप इसको राइट क्लिक देते हैं और यहाँ अपडेट फील्ड को क्लिक करते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो है उसको अपडेट कर देता। बल्कि ये ठीक है, इसी तरह ये टेबल जितने भी हैं उनका उन जितने भी टेबल्स मौजूद हैं उनका टेबल है, यानी लिस्ट ऑफ टेबल है। यानी हम हमारी थीसिस में आगे जहां जहां टेबल होगा ये उसका टेबल है क्रिएट करना होता। खासा ये टेक्निकल काम है, लेकिन ये पहले से क्रिएट कर दिया है आपने। आगे चल के सिर्फ टेबल के एंट्रीज करनी है, जो भी टेबल के अंदर मौजूद है तो वो एंट्रीज करेंगे, और फिर यहाँ आके तो सिर्फ उसका अपडेट करेंगे तो ये पेज नंबर अपडेट कर देगा जहां पर ये वो मौजूद होगा टेबल या फिगर। तो जी अभी सर, आप फिलहाल शुरू में इन दोनों तीनों जो हैं लिस्ट जो हैं इनको नहीं छेड़ेंगे, अभी आपका इससे कंसर्न नहीं है, ये आखिर पे जाकर करने का काम है। इसके बाद आप आ जाते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, जो भी स्टडी है आप कर रहे हैं अभी तक आप ये चीज लिख सकते हैं कि जैसे इस स्टडी का पर्पस क्या था, इसका रिसर्च डिजाइन क्या था, मैंने पर्पसिव सैम्पलिंग यूज की और कितने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए हैं और वो पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, एनालिसिस और कंक्लूजन, ये सारे जो हैं ये बाद की बातें हैं, क्योंकि ये थीसिस जब लिखने जाएगा डाटा एनालाइज हो जाएगा फिर आप ये कर सकते हैं। आगे जो है आप कीवर्ड 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 जो भी आप वो आप लोग समझ गए थे कि कीवर्ड क्या है, किसी को पता है कोई बताएगा? यस सर, ये जी वो सर, वर्ड्स होते जो हैं अपने टॉपिक में यूज जिनसे करते हैं। सर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग में जा रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग एक कीवर्ड होगा, फिर क्रिटिकल थिंकिंग इन असेसमेंट है तो असेसमेंट एक कीवर्ड होगा। सर जो असेसमेंट और हमारे वेरिएबल्स होते वैल्यूएशन भी हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, ये चीजें होती हैं कीवर्ड। हम सर वो फ्रीक्वेंटली वर्ड्स यूज जिससे होंगे। हमारे टॉपिक मतलब अगर वो वर्ड्स हम कहीं भी लिखें तो हमारा जो टॉपिक है वो सर्च हिस्ट्री में मतलब सामने आ जाए, जो उनसे देख के पता चल जाए कि टॉपिक इसके ऊपर है। रिसर्च के जो बिल्कुल वेरिएबल्स सही होते है। हैं। इसका आसान तरीका मैंने कहा था कि अगर आपका कोई टॉपिक अप्रूव हो चुका है, जो रिसर्च टाइटल जो है जो भी, तो उसको उठाएं और उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, मसलन ये खालिद साहब ने बताया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग इनका एक कीवर्ड है, दूसरा इनका असेसमेंट है, तीसरा इनका जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च तो होगा ही, अगर इन्होंने टेक्स्ट बुक एनालिसिस करना है तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस, करिकुलम एनालिसिस कर रहे हैं तो करिकुलम एनालिसिस इनका कीवर्ड होगा, इसी तरह जो लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं उनकी इंटरव्यूज उनके कीवर्ड्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एक कीवर्ड है, और उसके बाद अलहदा से जैसे हमने पीटीएम कहा तो पीटीएम जो है वो क्या मानूर की जो रिसर्च है उसका एक कीवर्ड है। बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है, वर्चुअल क्लासरूम हाँ जैसे मेरी रिसर्च का कीवर्ड है। बिल्कुल ऐसी है। अब आप उसके बाद अपनी स्टडी का जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना शुरू करेंगे, बैकग्राउंड इसका लिखेंगे कि ये स्टडी का बैकग्राउंड क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अब आप पे डिपेंड करता होगा कि ये क्या है। जैसे मानूर जो है ये वाली मानूर जो यहाँ मौजूद है, ये जो जिस चीज पे रिसर्च कर रही है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट इन वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट, ऐसे ही है ना, वर्चुअल क्लासरूम जी सर, की बात कर रही वर्चुअल क्लासरूम की है, लेकिन मैनेजमेंट। लेकिन ये बात कर रही है एक खास पर्टिकुलर बैकग्राउंड में, और वो बैकग्राउंड ये था कि जो एक लीड स्कूल है उसने अपने स्कूल्स को ट्रेन किया, सॉरी अपने टीचर्स को ट्रेन किया है एक
वर्चुअल क्लासरूम के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, तो ये उसके बारे में ये बताएंगी, वो इनका बैकग्राउंड होगा इनकी रिसर्च का। इस तरह हर एक की रिसर्च का कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा या इंट्रो होगा, चाहे इंट्रो को लंबा कर दें या बैकग्राउंड को लंबा कर दें, बस अभी फिलहाल इसके शुरू में वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पर बैकग्राउंड में बाज दफा हमें कुछ ये भी कुछ रिसर्च, एक मिनी सा लिटरेचर रिव्यू भी यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है, जिसमें ये बताना होता है एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ्स में कि हमारी जो रिसर्च है वो कैसे जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड ये है कि इससे पहले पिछली जो रिसर्च हो रही है इस पे, उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से इस पे रिसर्च कर रही है। तो ये जैसे महनूर की रिसर्च के हवाले से बात करें तो महनूर ये जस्टिफिकेशन देती दे सकती है कि ज्यादातर जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट पे हो रही है, लेकिन कहीं पे नॉविस रिसर्चर्स की के पर्सपेक्टिव देखे जा रहे हैं, कहीं पे जो है टीचर्स इन सर्विस टीचर्स से पूछा जा रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशंस की जा रही हैं, लेकिन जो इलीट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं और उनकी जो जो परसेप्शंस हैं आफ्टर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए। तो इसका मतलब है कि देर इज अ गैप इन लिटरेचर। तो आप आगे ये इनका आर्गुमेंट ये होगा कि दिस स्टडी इज डिजाइन टू फिल दिस गैप। यही यही एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहलाती है। इससे पहले आप काफी सारे जो डिटेल के साथ दो तीन पैराग्राफ्स में अपना मिनी लिटरेचर रिव्यू इंसर्ट करें, जिससे ये पता चले कि जी मिनी रिसर्च लिटरेचर रिव्यू ये बताए कि जी इस टॉपिक पे पहले क्या रिसर्च हुई हुई है और कहाँ पे गैप है। तो वो उसी को आगे लेते हुए हम स्टेटमेंट ऑफ द, उसी तरह लॉजिकल फ्लो उसका होता है कि उसी में से हम आगे बता रहे होते हैं कि हमारी रिसर्च का कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आती है बात थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। महानूर की ही रिसर्च को हम बाहर ले लेते हैं। महानूर की रिसर्च जो है वो वर्चुअल क्लास, महानूर की वैसे मौज नहीं होगी। नहीं सर, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मैं नोट कर रही हूँ ताकि मुझे मेन जी आप वही कह साथ रहा साथ हूँ, तो बता रहे आपका हैं फायदा ना हो गया, जी सर आपका फायदा हो गया। वो ये है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसमें क्या है। तो अब लाजमी बात है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का जो लिटरेचर है वो इन्हें हेल्प करेगा कि जी, और फिर उसके अंदर वर्चुअल क्लासरूम का जो जो कोर्स कंटेंट इन टीचर्स को पढ़ाया गया था वो डेफिनेटली लिंक्ड होगा उसको एक कोहेरेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। ये अगर डिस्क्राइब कर देती हैं कि ये चीजें जो हैं वो वर्चुअल क्लासरूम के लिए होती हैं, तो वो कोई थ्योरी कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पर इंसर्ट कर दें। एक और स्टूडेंट को ले लेते हैं, जो तैयबा, तैयबा जो है वो रिसर्च कर जी रही है, तैयबा सर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पे कर रही है, ऐसा ही है। तो जी सर अब जी ये सर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की एक थ्योरी है जिसको आप यहाँ पर इलेबोरेट कर देंगे, लेकिन ये दो तीन पैराग्राफ से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने आखिर में वर्ड लिखा है इन ब्रीफ, यानी जी इस सर सारी चीज को आपने डिटेल के साथ अगले चैप्टर्स में लिखना है, ठीक है। अब यस सर उसके बाद जो है वो, उसके बाद हमने रिसर्च पर्पस ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं। वो लिखने के बाद ये सारी इन्हीं याद रखें कि इसकी फॉर्मेटिंग को आप ना छेड़ें। आप कोशिश करें कि जो फॉर्मेटिंग जिस जिस फॉन्ट साइज में ये पहले से मौजूद है इसको वही रहने दें, ठीक है। अगर ये 12 टाइम्स न्यू रोमन में है तो इसको 12 टाइम्स न्यू रोमन में ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। ये इसके हवाले से मैं मजीद आपसे बात करता हूं, ये जो पर्पस ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस है
इसके बारे में जब बात सॉरी मैं डिटेल के साथ करता हूँ, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू और फर्दर दे लूं तो फिर बात करेंगे। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में ये वो सेक्शन है जिसमें हम डिटेल के साथ रिसर्च का जो फायदा होगा उसके बारे में बताते हैं। तैयबा, यस सर। मसलन हम फर्ज करते हैं कि आपकी रिसर्च है तो क्या क्या फायदा हो सकता है? सर जैसे जो मेरी रिसर्च है उसमें ये होगा कि टीचर्स के पर्सपेक्टिव्स कभी भी ग्लोबल सिटीजनशिप के ऊपर नहीं लिया गया, मतलब टीचर्स ओवरऑल, हम तो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव को देख रहे हैं ना, लेकिन टीचर्स के पर्सपेक्टिव को भी बहुत कम छेड़ा गया, तो ये सिग्निफिकेंस होगा। फिर दूसरा ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको फायदा होगा कि जब आप टीचर्स के पर्सपेक्टिव्स उन तक पहुंचेंगे तो वो ये एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर वो इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ जो आगे जो यंग जनरेशन के अंदर ग्लोबल सिटीजनशिप की बिलीफ डेवलप होंगे, बल्कि एक अच्छी जनरेशन और एक अच्छे पाकिस्तानी ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक मसलन हम अभी इनिशियल आपकी थॉट्स हैं, मैं इसको देख के आगे चलता हूँ, ज्यादा नहीं सिर्फ आइडिया ही एक देना। मैं अपना करना चाहूँ सर, मेरा जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं सिग्निफिकेंस अगर देना चाहूँ तो इसमें मैं ये दूंगी सर कि जीबी कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स परसेप्शन के ऊपर पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी पर इतना काम नहीं हुआ, तो ये मेरा एक जो रिसर्च है वो उनकी परसेप्शन को डिस्कवर भी करेगा और पॉलिसी मेकर्स के लिए हेल्पफुल होगा कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ऐसा होगा सर मेरे रिसर्च में, इस तरह लिखूं मैं? जी ऐसे ही ऐसे ही। उसके बाद जो है वो डेफिनेशंस और सम की टर्म्स आ जाता है, यानी जैसे ही आप सिग्निफिकेंस का सेक्शन कंप्लीट करते हैं, ज्यादा नहीं है ये भी, दो तीन पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखा जाता, फिर उसके बाद हम की टर्म्स पे आ जाते हैं। की टर्म्स वही हैं जो की वर्ड्स आपने शुरू में लिखे थे, की वर्ड्स को ही सामने रखते हुए और मजीद आपकी रिसर्च के अंदर की वर्ड जितने जो आप समझते हैं कि आपके रीडर को नहीं समझ होगी कि ये किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। बाज दफा एक चीज को डिफरेंटली डिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंट लिटरेचर्स में, तो आपने उसे यूं करना है कि डिफाइन कर देना है कि आपके ख्याल में ये इससे क्या मुराद है, पीटीएम से क्या मुराद है, नेशनल आइडेंटिटी से आपकी क्या मुराद है। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर डिफाइन करना चाहते हैं, परपजिव सैम्पलिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो जरूर करें। मतलब ये है कि ये जो असेसमेंट है इससे क्या मुराद है, खालसा बुक की जो रिसर्च की बात करें, हायर ऑर्डर थिंकिंग से इनकी क्या मुराद है, क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है। बड़ा ही ये कंट्रोवर्शियल सा आइडिया है, इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, एक नहीं मल्टीपल डेफिनेशन है, डेफिनेशंस हैं कि जी क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। तो इसीलिए आपको अपनी जो फेवरेट डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखनी होगी, या इस रिसर्च में जिस तरह से आपने डिफाइन किया है या इसको लिया है वो आप लिख देंगे, यानी उस कंसेप्ट को जिस तरह से आप इस रिसर्च में ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं वो उस तरह से आप उसको डिफाइन कर देंगे। इस तरह से जब आपने कर लिया तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे आप चैप्टर नंबर टू पे। चैप्टर नंबर टू में आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है। तो रिव्यू का भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन यहां पर मैं आपसे जो डिमांड करता हूं वो ये है कि आप पहले जो है उसके बारे में इंट्रो लिखें, कि इंट्रो से पता चल जाता है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या चीजें किस किस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मसलन अभी महानूर ने कहा क्लासरूम मैनेजमेंट और वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट, इनका ख्याल है कि दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दो डिफरेंट की टर्म्स हैं।
तो आप अपना जो इसी तरह ये खाली दो टर्म्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, अभी और पढ़ेंगी तो लिटरेचर रिव्यू करेंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये कितनी डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हाँ, और लिटरेचर हर एक को अलग सेक्शन में आप डिस्कस कर लें, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन, वर्चुअल क्लासरूम डिसिप्लिन। फर्ज कर लेते हैं मैं कोई अभी इनकी रिसर्च को के बारे में बता नहीं ना, बल्कि एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके तो डिफरेंट सेक्शंस में रिव्यू करेंगे। यानी वो स्टडीज जो वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी वो सेक्शन में आप रिव्यू करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, और दूसरे सेक्शन में दूसरे के बारे में लिखेंगे। यानी इनको डिफरेंट डील करना है। सर अगर यहां मैं यहाँ पे अपनी स्टडी का थोड़ा सा शेयर करूँ आपके साथ तो मुझे सर, जैसे मेरा टॉपिक है सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स रिगार्डिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, तो सर इसमें मैं पहले सेल्फ मतलब की टर्म के लिहाज से जैसे सेल्फ एफिकेसी है पहले उसके बारे में डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद टीचर सेल्फ एफिकेसी होगी, फिर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स का होगा, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट होगी, और फिर टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ उसका लिंक होगा। सर ये इसी तरह से आएगा? बिल्कुल 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 सही कहा है आपने। इसी तरह आप जब स्टडीज को एक सर्टन सेक्शंस में रिव्यू करेंगे, अब आ गई हैं वो चीजें जो जो आप लोग अभी कर रहे हैं, जो आप लोगों को मैंने अभी सजेस्ट किया हुआ है, और आपने क्या किया इंटरनेशनल और लोकल जो आर्टिकल्स ये देख रही है तो इंटरनेशनल आपका काम ये है कि सारी की सारी जो रिव्यू की हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इंसर्ट करें। अगर आपको जरूरत हो कि आप ये जो सेक्शंस हैं या ये जो रोज हैं ये कम है तो राइट हैंड साइड पे क्लिक कर दें, इसके जहां पर अभी मैंने कर्सर रखा हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर कर्सर रख के एंटर का बटन प्रेस करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको फर्दर रोज क्रिएट करके देता जाएगा। ठीक है? ओके सर। और इस टेबल को एक्चुअली इसके फॉन्ट साइज के मुताबिक जब भी पेस्ट करें तो वो सिर्फ टेक्स्ट लेके आए, कीप टेक्स्ट ओनली। उससे ये होगा कि जो फॉन्ट साइज यहाँ पर है, यहाँ पे फॉन्ट साइज बहुत छोटा है 10 है, तो इसलिए आपको 10 ही रखना है ताकि ये इस टेबल के अंदर वो समा जाए। ठीक है? टेबल 1 इसी तरह क्रिएट करना है यहाँ पे। क्या कह रही है ये, इनकी बात सुने जरा। सर मैंने ये टेबल को जब इसमें किया था ना तो वो 10 था तो मैंने उसको 12 किया था, अब सर आपने गाइड कर दिया तो उसको मैं दोबारा से उसको सिलेक्ट करके तो 10 ही कर दूंगी। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अब आबिद साहब आपकी मिन्नत करें कि आप बोलें। नहीं सर मैंने कहा शायद आवाज नहीं आ रही इस वजह, मैं ये सर जो ये इधर आथर का नेम लिखा हुआ है सर वो हमने एपीएस स्टाइल में यहाँ पे राइट डाउन करना है या सिंपल एज इट इज जो आर्टिकल में ऊपर राइट करते हैं ऐसे? नहीं एपीए में। ओके सर थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ तक है पूछ ले। स्टडी का जो है ना सैम्पलिंग प्रोसीजर वो नहीं डिफाइन किया होता, जैसे बताया ही नहीं था कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक उन्होंने यूज की है, तो हम उसको स्किप कर दें फिर। बेटा इससे पहले किसी का क्वेश्चन था उसका क्या जवाब दिया था? सर ये कहा था कि उसमें डैश लिख दें या नॉट मेंशन लिख दें, ये कैसे लिखते हैं पासवर्ड? ओके सर ठीक है बिल्कुल, हां वो ज्यादा अच्छा है नॉट मेंशन, वो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो खाली सिर्फ ये डैश टिक लगा देंगे तो बस का मतलब ये हो गया नॉट गिवन। ओके सर ठीक है। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। सर मेरा जो टॉपिक है इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट का सर आपने कहा था कि एक कीवर्ड है और एक है प्री सर्विस टीचर्स,
तो सर मैंने जो अभी लिटरेचर रिव्यू का टेबल किया है ना, तो उसके अंदर मैंने 45 आर्टिकल्स क्लासरूम मैनेजमेंट पे किए हैं, मतलब 30 आर्टिकल इंटरनेशनल किए हैं और अभी 15 लोकल उसके हुए हैं. तो उसके आगे मैं प्री सर्विस टीचर्स पे अगर 15 कर लूँ, मतलब 15 में से 7 लोकल कर लूँ और 7 इंटरनेशनल कर लूँ, तो कोई इशू तो नहीं है, या सिर्फ 30-30 होने चाहिए दोनों के? बेटा वैसे मैंने तो जितने मर्जी आप जी 30 मैंने आप लोगों को एक एंगेज रखने के लिए और एक टास्क के लिए दी है. वैसे तो ये जितनी भी स्टडीज मिले लोकल का खास तौर पे, कि लोकल में अगर आपको जितनी ज्यादा स्टडीज मिल सके उतनी ज्यादा आपकी रिसर्च ऑथेंटिक बनती जाएगी, क्योंकि आपने कंसिडर किया है. इसका मतलब ये है कि आपने कंसिडर किया है लोकल कॉन्टेक्स्ट को जिसमें आपने रिसर्च कंडक्ट की है. तो कोशिश करें कि जिस तो सर मैं अब 15 लोकल कर लूं प्री सर्विस टीचर्स, तो उसमें ओ बेटा मैं प्री सर्विस को प्री सर्विस के पर्सपेक्टिव्स की बात कर रही हैं आप? जी सर मेरा टॉपिक है लर्निंग टू बी एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ प्री सर्विस टीचर्स असेसमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एजुकेशन. तो आपने कहा था क्लासरूम मैनेजमेंट पे आप ज्यादा से ज्यादा करें, तो वो लेकिन मेरा प्री सर्विस टीचर भी है, तो मैंने सोचा कि वो जो 15 है तो मैं उनको कर लूं, अगर डिवाइड कर लूं कि 7 मैं लोकल कर लूं. मेरी बात सुनो एक मिनट शारुच बेटा, अगर अगर आपको टीचर प्री सर्विस टीचर्स के पर्सपेक्टिव ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट मिले तो तब भी आप उसको उसमें शामिल करें, वरना वो वैसे तो प्री सर्विस टीचर्स के पर्सपेक्टिव किसी और चीज पे भी हो सकता है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग पे था ये इनका उमेहानी वगैरह का और मरियम का पेपर था जी सर. तो प्री सर्विस टीचर्स तो उन पे तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये देखना है कि वो स्पेसिफिक आपकी रिसर्च से उसका ताल्लुक है या नहीं. तो सर अगर मैं क्लासरूम मैनेजमेंट पे ही सारे कर लूं तो कोई इशू तो नहीं है, या प्री सर्विस पे करना चाहिए? बहुत बहुत जिद्दी है बच्ची, ये ना बात समझ नहीं रही. बेटा आपसे एक ही बात कही है पहले कि अगर प्री सर्विस टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट पे पर्सपेक्टिव मौजूद है, ऐसी रिसर्च कहीं मौजूद है, तो उसको शामिल करें, नहीं तो फिर क्लासरूम मैनेजमेंट पे सारे कर लें. ठीक है सर. ओके सर थैंक यू. चल अब उसके बाद जो है असल जो टास्क आप लोगों को यहां से चैलेंजिंग लगेगा वो ये है कि ये जो सारी स्टडीज है इनको डिस्क्राइब करना. यहां पर इसको अगर आप डिस्क्राइब करते जाएंगे तो ये काम आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. कोशिश करें कि थीमेटिकली डिस्क्राइब करें, यानी जो सिमिलर स्टडीज हैं उनको सिमिलर स्टडीज के साथ रखें. इसी तरह अब आगे चलेंगे तो वो रिव्यू ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज के हवाले से बात है. चारूज समझ आ गई है बेटा? यस सर. हाँ अब पाकिस्तानी स्टडीज जो हैं उनके बारे में आप लिखें. फिर वही कहा है कि यहाँ पर कोशिश करेंगे 30 अगर आपके नहीं आ रहे तो फिर यूं करते जाएं कि टेबल की रोज जो है वो एक्सटेंड करते जाएं, ये एक्सटेंड होता जाएगा. फिर इसके बाद इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल में हम जितने भी आर्टिकल की स्टडी शामिल करेंगे उन सारे आर्टिकल्स की स्टडी का रिव्यू हमें ऊपर वो उसमें राइटअप में देना होगा. उसमें से जो हमें लगेगा जी इस जो हमें लगेगा कि उन आर्टिकल्स में सिमिलर स्टडीज हुई हैं उनका हम एक जगह पे कर लेंगे, और जो हमें उनसे थोड़ा डिफरेंट लगेंगे उनको हम अलग से करेंगे. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने. उसके बाद अब आ गई बात कि आपने जो प्रीवियस स्टडीज हैं जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में की गई हैं उनकी लिमिटेशंस ढूंढनी है. अब ये मैंने इसकी 10 लिखी हुई हैं, आप कम भी कर सकती हैं ज्यादा भी लिख सकती है. मसलन मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा आउटलाइन डेवलप की है, आप कहेंगी फॉर एग्जाम्पल कहेंगी कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये शारूज वाले जो स्टडी थी वो जी सारी इन सर्विस टीचर्स पर मौजूद थी,
और किसी भी कोई भी प्री सर्विस टीचर्स पर मौजूद नहीं है। दूसरा इनका आर्गुमेंट ये होगा कि प्रीवियस स्टडीज में ज्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज किए गए हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स नहीं यूज किए गए या बहुत कम एम्फसाइज किए गए हैं। फिर उसके बाद आप हो सकता है कि कहें कि उनका सैंपल साइज जो है वो क्या था, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो रिसर्च कंडक्ट की गई है। लाहौर में की गई है ज्यादातर स्टडीज जो है वो आप कहें कि कराची के कॉन्टेक्स्ट में की गई हैं या इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में की गई हैं या पेशावर के कॉन्टेक्स्ट में की, और आप कहें कि लाहौर में जो है वो बहुत कम स्टडीज की गई हैं। ये मतलब आपके आर्गुमेंट डेवलप करने का अंदाज है, ये अब आपका आपने गैप आइडेंटिफाई करके देना है यहाँ। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहां पर आप पिछली रिसर्च पे अटैक कर रहे हैं, और ये अटैक आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपने पिछली रिसर्च को सही तरीके से खंगाला हो और उसको सही तरीके से देखा हो कि अच्छा अभी तक जो रिसर्च है वो तो सारी क्वालिटेटिव है, अच्छा सारी की सारी क्वांटिटेटिव है, अच्छा इसमें क्वांटिटेटिव है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सिंध में स्टडीज की गई है, वो सारी की सारी इन सर्विस टीचर्स के बारे में की गई है। फर्ज कर रहा हूँ, कुछ आर्गुमेंट्स आपको दे रहा हूँ, तो वहीं से आप फिर जस्टिफिकेशन अपनी रिसर्च की दे सकते हैं कि मेरी रिसर्च जो है उसकी क्यों क्यों जरूरत है। समझ आ रही है बात की? जी सर। उसके बाद आ जाते हैं नर्जिस की बात, कोई सुनेगा और उनको जवाब दे सकते हैं। सर सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करके मुझे लग रहा है कि वो यही लिमिटेशन को हम बना सकते हैं। लिमिटेशन जो है ना बेटा, यही आपकी सिग्निफिकेंस को लिखने में हेल्प दे सकते। पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है और वहीं से पता चलता है कि क्या लिमिटेशन है और कौन से गैप्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है सर। इसीलिए तो अभी अभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू के लिए कहा है कि वो जरा पिछली जो स्टडीज हैं उनको जरा रिव्यू करें, ढूंढें, पता करें कि क्या कुछ हुआ है उस टॉपिक पे। जब वो पता चल जाएगा, लिमिटेशंस लिखना और फिर उसके बाद अपनी रिसर्च की सिग्निफिकेंस बताना मुश्किल ही कोई नहीं रहता। उसके बाद अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का स्टडी। ये जो दूसरी मानूर है उन्होंने ज्वाइन कर लिए। सलाम सर, कर लिया था। आपने देर से ज्वाइन किया बेटा। सॉरी सर, सॉरी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये आपकी रिसर्च की जो जैसे कहे ना बैकबोन, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने लिटरेचर से एक्सट्रैक्ट किया था और अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपने समझा था कि ये यूजफुल है। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ी सी डिटेल आगे चल के डिटेल के साथ इसके साथ बात होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। ये टेक्निकल टर्म्स यूज की हुई है, कंसेप्ट, प्रॉपर्टी और उसके बाद डायमेंशंस। कंफ्यूज नहीं होना, ये जैसे हेडिंग और सब हेडिंग वाली कहानी है ये वैसी ही है। ठीक है सर, थोड़ा सा अगर आप ज़ूम कर दें। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ज़ूम? जी सर। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की कि ये अब है ये क्या जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टूडेंट ने भी किए हैं उस पे, और मैंने खुद रिसर्च प्रोजेक्ट इस पे किया है सुपरविजन पे, यानी सुपरवाइजर किस तरह से सुपरवाइज कराते हैं। एमफिल स्टूडेंट्स के जो पर्सपेक्टिव थे वो पता किए, तो उसमें मेन कंसेप्ट जो था वो
मेन कंसेप्ट जो था वो सुपरविजन था, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट जो है वो सुपरविजन है, तो उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। अब मैं सॉरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसकी मौजूद है। मैं आपको अभी जी, ये हमारा अगर आप देखें ना स्क्रीन पे क्या अभी दिखाई दे रहा है सर, एक फिगर बनी हुई है, फ्रेमवर्क है सर, सुपरवाइजरी सपोर्ट फ्रेमवर्क। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा अगर आप इसके जो एरोज की डायरेक्शन अगर बदल दें तो क्या होगा कि मेन कॉन्सेप्ट सुपरवाइजरी सपोर्ट है और उससे निकलता हुआ फंक्शनल इनकल्चरेशन, क्रिटिकल इमेंसिपेशन और रिलेशनशिप डेवलपमेंट। अब इस फिगर में चूंकि स्पेस जो जर्नल की थी वो अलाउ नहीं करती थी, तो फिगर में हमने फर्दर इसको नहीं, इससे फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो जिसे हमने वहां पर क्या लिखा हुआ था, डायमेंशंस, फर्दर डायमेंशंस जो हैं वो हमने नहीं बताई थी, इस फिगर में नहीं बताई हूँ। लेकिन आगे चल के आपको जब ये रीडिंग इसकी करेंगे तो आपको सारा वो उसके अंदर मौजूद मिलेगा कि जी फंक्शनल जो अप्रोच होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें फर्दर डायमेंशंस क्या क्या मौजूद होती है। तो ये एक रफ मसलन क्लासरूम मैनेजमेंट वाले जो हैं वो अगर सोचते हैं तो उनके पास क्लासरूम मैनेजमेंट वाले जो हैं उनके पास अगर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की डायमेंशंस देखें, सॉरी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं पहले वो ये हो सकती हैं कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वहां पे और दूसरा है फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट होती है क्लासरूम के अंदर। ये उनकी दो डायमेंशंस फर्ज कर लेते हैं कि मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट हर कंसेप्ट के एक नहीं बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं जिनको हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर समोना होता है। किधर गया, फिर स्क्रीन पे आ जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये हर एक का जो है वो डेवलप करेंगे हम और उसमें आपको ये सारी चीजें शामिल करनी होंगी। तो सर अगर मुझे गाइड करें कि जैसे मेरा टॉपिक है तो सर उसमें क्या मतलब, जैसे हमारे टॉपिक में तो दो हमारे की वेरिएबल्स होते हैं, तो फिर सर मेन कॉन्सेप्ट और उसकी बात को फिर हम कैसे यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में कैसे लेंगे? आप जो जो क्या नाम है नाइला और दूसरी क्या नाम है मानूर, आप दोनों से मैं अलहदा बात कर लूंगा। ये जो है ना ये शुरू में इतनी सब चीजें इनको बता देना जो है ना बेचारी घबरा ना जाए, है ना मानूर शारूज? जी सर। नहीं नहीं सर, घबराएंगे नहीं, अभी तक घबराए नहीं है, घबराना नहीं है, लेना है। जी उसके बाद आगे चलते हैं और हम मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। मेरा मकसद आज जो है ना वो आपको एक जनरल ओवरव्यू देना था कि थीसिस जो है वो किस तरह से लिखना है, और अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख ली है तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें अपने रेलेवेंट सेक्शंस में। तो इंट्रोडक्शन में फिर वही कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, हर सेक्शन के बारे में बताएं कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उसके बाद वही पर्पस स्टेटमेंट जो आपने चैप्टर वन में लिखी थी उसको यहाँ पर ला के फिर कॉपी पेस्ट कर दें,
और यहाँ पर भी जो है उसी तरह ऑब्जेक्टिव जो है वो पेस्ट करने हैं, रिसर्च क्वेश्चन पेस्ट करने हैं। अब आ जाए आगे कि आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा। ये अब आपने रिसर्च डिजाइन खुद अपनी रिसर्च के हवाले से लिखना। अगर कोई केस स्टडी का रिसर्च डिजाइन लिखता है तो सबसे पहले ही वो बताए कि उसकी स्टडी में रिसर्च डिजाइन यूज कौन सा हो रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये उसकी रीजंस जो है ना वो इंसर्ट करें। तो डेफिनेशंस वगैरह लेके आए, ये इसका प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है कौन से, फिर उसके बाद रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहाँ पे ये रिसर्च की गई, कौन से स्कूल्स में की गई है, तो वो आप इंसर्ट करें। अगर नहीं है ये रेलेवेंट तो डिलीट कर देते हैं, जैसे जो टेक्स्ट बुक्स एनालिसिस कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद आप सैम्पलिंग के बारे में बताएं कि कौन से लोग आपके पार्टिसिपेंट थे, आपका पार्टिसिपेशन का जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया था वो क्या था वो यहाँ पर लिखें। सॉरी, इससे पहले अपनी सैम्पलिंग की डेफिनेशन जो है वो क्लियर करें, क्यों ये यूज की वो लिखें। फिर उसके बाद जो आपने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए, मानूर कितने एक साल, ये मानूर से ही बातें कर रहा हूँ, कोई और जरा बात करे, कोई और स्टूडेंट बात करेगा? जी सर। आबिद, आप कौन से किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, आप किन लोगों को सिलेक्ट करना चाह रहे? सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएट होंगे सर। बस ठीक है, तो वो उनकी उनकी जेंडर के बारे में आपने जब पूछना है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर है, इस तरह और कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ऐड करते जाएंगे। यूनिवर्सिटी उनकी खाली UMT है तो फिर तो जरूरत नहीं रहती, आप सिर्फ बता देते हैं कि एक लफ्ज एक सेंटेंस में शुरू में यहाँ पे बता देते हैं कि ये सारे पार्टिसिपेंट सिर्फ एक स्कूल से सॉरी एक यूनिवर्सिटी से लिए गए थे, लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो फिर आपको पब्लिक प्राइवेट से वो जो भी स्कूल नाम है अगर इजाजत दी है आपके उन स्कूल्स ने कि आप उनका नाम शेयर कर सकते हैं तो आप वो शेयर करें यहाँ पर। फिर उसके बाद आप बताएं कि जी आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया है। डाटा कलेक्शन का मेथड जो है मैंने यहाँ पर 3-4 लिख दी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। मसलन आप सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज कर रहे हैं और साथ डॉक्यूमेंट एनालाइज करना चाह रहे हैं, सर्वे क्वालिटेटिव सर्वे करना चाहते हैं, साथ कॉन्सेप्ट मैपिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव जर्नल अगर आपने साथ शामिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जहां जरूरत होगी जिसकी रिसर्च के मुताबिक होगी वो यूज कर लेगा, बाकी जो है वो डिलीट कर देगा यहाँ से, वो कोई इतना मसला नहीं है। जी सर, ठीक है। Yes. अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंटरव्यू गाइड के बारे में बताते हैं, इंटरव्यू गाइड कैसे डेवलप की गई, कौन सा लिटरेचर यूज किया गया, वो सारा। ये बीच में ये जो गैप्स रखे गए हैं ना, इनका मतलब ये है कि ये क्या है, ये जो स्कूलों में पढ़ाते हैं यहाँ पे आपने अपने जो है वो साइटेशन रिजल्ट का, नहीं वहां पर साइटेशन नहीं, वहां पर अपने कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कैसे आपने किया, ये सारी चीजें लिखनी है। जहां जहां ये चीजें हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे आप अपने चल के तो इसको फर्दर इलेबोरेट करना है। फिर आपने डाटा एनालिसिस का मेथड बताना, डाटा एनालिसिस का मेथड बताना है कि आपने किस तरह से किया है। तो जब ये कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे कि आपने ट्रस्टवर्दीनेस किस तरह से इंश्योर की है। इसका इसके लिए आपको क्या करना है कि इन ये काम अगर आपने किए तो वो रहने स्टेटमेंट्स, अगर आपने ये काम नहीं किया तो वो डिलीट कर देंगे वो पूरा, ठीक है। मसलन मैं पहले से बताता हूँ, मैं ये देखेंगे क्या नायला बेटा देखेंगे कि अडॉप्टेड वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च मेथड्स, इंटरव्यू मेथड या केस स्टडी या फिनोमिनोलॉजी, ये सारे वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च मेथड्स हैं। तो आप कहेंगे ना कि ये ठीक है आपको ये अप्लाई होता है आपको, तो ये रहने देंगे। जो चीज आपसे इस वक्त रेलेवेंट नहीं है
आप यूं करें कि उसको डिलीट करने की ना डिलीट करने की बजाय रेड कर देंगे, वो जब मैं रिव्यू करूंगा तो उसको डिलीट करने की जरूरत हुई तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। वो ये है कि ये ना हो कि आप ऐसे ही डिलीट करते जाएं। जी बिल्कुल सही सर। और आखिर पे मुझे एक लाइन मिले वहां पे। नहीं सर। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। इसी तरह इथिकल कंसिडरेशन है, इसमें भी ये पॉइंट्स हैं जो आपको रेलेवेंट लगे कि आपने ऐसा किया है। ठीक है, मसलन अभी एक एग्जांपल देता हूं, उससे ये अंदाजा लगाएं कि क्या आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को धोखा देने की कोशिश की थी या अवॉइड किया था धोखा देना। तो सर ये ठीक है ना, अवॉइड डिसीविंग पार्टी से, आप कभी भी अपने पार्टिसिपेंट को डिसीव तो करके डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे ना, वो तो फिर आपकी रिसर्च ही वेस्ट हो जाएगी। अवॉइडेड डिसीविंग पार्टिसिपेंट, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये रेलेवेंट है आपकी, आपने आप पे लागू होती है तो ठीक है, ये रहने देनी है। जो जो आपसे रेलेवेंट नहीं होगी उसको आपने हाईलाइट कर देना। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे है बात रिजल्ट्स की। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल क्विकली इसको बता दूं क्योंकि अभी ये मंजिल बहुत दूर है। ऐसा ही है जी सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि ये क्योंकि केस स्टडी थी तो हर इंडिविजुअल का अलहदा अलहदा केस जो है वो डील किया है। आप में से दोनों ने, नायला और महानूर, आप दोनों ने केस यही स्टाइल यूज किया हुआ है ना सर? जो आपको पहले भेजा था वो ये स्टाइल नहीं था, बाद में आपने हमें वो वीडियो सेंड की थी तो उसके बाद अब नया जो डॉक्यूमेंट बनाया वो इसी स्टाइल पे बनाया। बस फिर ठीक है। और इसके बाद मानूर किधर गई, वो चली गई है? नहीं सर, मैं इधर हूँ, मानूर बुखारी। मानूर बुखारी, अब आपकी बात आ गई है बेटा, इसलिए मैंने आपको याद किया। ठीक है, आप जरा गौर से सुने ताकि आपको भी बिल्कुल क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, चैप्टर फाइव में एक्चुअली हम समरी, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें डिस्कशन भी शामिल होती है, वो बताता हूँ कि वो कैसे। कि पहले तो हर चैप्टर के शुरू में आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन। जी सर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि जी पहले सेक्शन में ये था, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में ये है, और जितने भी सेक्शन होते हैं वो सारे सेक्शन जो हैं उनके बारे में एक पैराग्राफ शुरू में, हर चैप्टर के शुरू में आप लिख देते हैं। यहाँ पर आपने अपनी स्टडी की समरी लिखनी है, इसमें आपने बताना है कि ये है क्या थी स्टडी। ये समरी का मतलब ये है कि आप 500 वर्ड्स के करीब जो है ना यहाँ पर बता दें कि असल में आपकी स्टडी है क्या चीज थी। जब आपने ये ये लिख लिया है तो अब फाइंडिंग्स जो है रिसर्च क्वेश्चन वन के हिसाब से, रिसर्च नंबर क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर है तो फोर के हिसाब से चार क्वेश्चंस हैं, और चारों के जवाब जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं वो सारी की सारी समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख दी जाती है। जब ये लिख लिया है तो अब उसके बाद आप डिस्कशन लिखते हैं। मैंने इस दफा ये टेबल इंसर्ट किया है, पहले कभी नहीं किया था, लेकिन ये अब आपके लिए जान के किया है ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो। होता ये है कि मसलन ये मानूर वगैरह और नायला, आप लोग मेजर फाइंडिंग्स जो हैं अपनी अजर्शन वन की सूरत में, टू में ये पहले लिख चुके हैं। जी सर। अब ये जो अजर्शंस हैं इनको सर आप लेफ्ट साइड पे लिखें और यहाँ पर वो रेफरेंस जो है वो साइट करें जिसमें वो रेफरेंस लिखें जिसके साथ ये फाइंडिंग्स मैच होती है, यानी चाहे वो इंटरनेशनल चाहे वो इंटरनेशनल लिटरेचर से आए, यानी साइटेशन देनी है
चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है, कि जी जो फाइंडिंग्स मुझे यहाँ पर मिली हैं वो ही पिछले लिटरेचर में से मैच अवेलेबल, ठीक है तो सर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर कोई आर्टिकल के बीच में नहीं मिल रहा है तो किसी थीसिस को हम अपने जो लिटरेचर रिव्यू के उसमें इंक्लूड करते हैं, तो वो थीसिस की फाइंडिंग हमारी फाइंडिंग के साथ मैच हो जाती है, तो क्या हम वो इंक्लूड कर सकते हैं सर यहाँ? जी बिल्कुल सही है, वो भी तो रिसर्च स्टडी है ना, उसको शामिल कर उसके साथ कंपेयर कर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कंक्लूजन जो है, ये एक पैराग्राफ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके थीसिस का, जिसमें आपने अपनी स्टडी का कंक्लूजन जो है वो लिखना होता है। अब कंक्लूजन जब आप लिख रहे हैं तो जो मैंने ये जो लास्ट स्टेजेस पे मौजूद हैं दोनों स्टूडेंट्स मानूर बुखारी और नाइला, बेटा मैंने ये बताया था, मानूर से तो मेरी बात हुई थी फोन पे, नाइला आप सुन लें कि जब जब हम कंक्लूजन लिखें तो एक इजी वे ये है कि आपने जो चैप्टर 4 में जो अजर्शंस लिखी थी वो सारी की सारी यहाँ पर शिफ्ट करें, उन्हें पैराग्राफ की सूरत में लिखें और उसके बाद उनको फर्दर समराइज करें, यानी उनको कंडेंस करें, तो समझें कि आपका कंक्लूजन जो है, जो मार्क की सारी फाइंडिंग्स जो है यहाँ पर आके कंसंट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ही जो है वो आपका कंक्लूजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपका एक सेक्शन है स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, स्ट्रेंथ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो भी मेथड आप यूज करते हैं, आप जो भी मेथड यूज करते हैं वो जी सॉरी हर जो भी मेथड यूज करते हैं, बीच में एक मैसेज आ गया मैं पढ़ने लग पड़ा, जी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात कर रहे थे। स्ट्रेंथ जो है, हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। मसलन केस स्टडी है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है, केस स्टडी या क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई भी मेथड यूज करें तो ये इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन इसकी स्ट्रेंथ है, और लिमिटेशन ये है कि जी इसकी फाइंडिंग्स जो है उस तरह से जर्नलाइजेबल नहीं है जिस तरह के क्वांटिटेटिव रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है वो एक लार्जर पॉपुलेशन या सैंपल पे जर्नलाइजेबल होती हैं। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ लिखनी है अपनी, और लिमिटेशंस जो आपकी रिसर्च की रही हैं, मसलन इंटरव्यूज जो है वो आपने फेस टू फेस नहीं कंडक्ट किए बल्कि ऑनलाइन कंडक्ट किए हैं, तो ये आपकी स्टडी की एक लिमिटेशन है। वो कहेंगे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो है स्कूल्स को एक्सेस नहीं कर सकते थे, ठीक है जी सर। अली साहब कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। ये क्या, अच्छा वन लिखा हुआ आ रहा है, मुझे नहीं समझ कि ये इससे क्या मुराद है, पता नहीं सर मैंने कुछ किया, मैं सुन रहा हूँ बस। नहीं वो प्लीज मैक्सिमाइज द स्क्रीन, ठीक है। अब उसके बाद आपकी रिसर्च की इम्प्लीकेशंस की बात आई, इसमें पॉलिसी के लिए भी रिकमेंडेशंस हैं और प्रैक्टिस के लिए भी आपकी रिकमेंडेशंस देनी है। मसलन पॉलिसी से मुराद ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सजेस्ट करें कि आपने जो जो कमी महसूस की है उसको किस तरह से वो एड्रेस कर सकते हैं। मसलन स्टूडेंट्स खास तौर पे अक्सर ये सजेस्ट करते हैं कि जी टीचर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं वो जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो अगर नहीं है तो सजेस्ट कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स को कि आप ये चीजें जो हैं इनको इंश्योर करें, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें थ्रू वर्कशॉप्स और अदर मी और
वाया अदर मींस। तो इस तरह से आप कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं पॉलिसी चेंज करने के लिए, कहते हैं कि ये पॉलिसी जो है किस तरह से टीचर्स को हर्ट कर रही है या किस तरह से टीचर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, पेरेंट्स के लिए कर रही है या स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, तो इसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको किस तरह से चेंज किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ इसके बाद प्रैक्टिस के हवाले से भी ये कि प्रैक्टिस कैसे चेंज की जाए, ये इमीडिएट जो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद फ्यूचर की जो रिसर्च है उसके बारे में वो क्या है, सजेशंस देनी है। मसलन आपने इस एरिया में एक मेजर स्टडी कंडक्ट कर ली है, जब आप एक मेजर स्टडी कंडक्ट कर चुके हैं तो अब आपको आपको पता है इस एरिया में कहाँ कहाँ रिसर्च की जरूरत है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें एग्जामिन की जानी चाहिए। जरा इस आउटलाइन को जरा आप पढ़ेंगे, आपको 5 मिनट देता हूं, आप पढ़ें और फिर उसके बाद हम इस पे बात फर्दर कर लेते हैं। ओके सर। जी कुछ समझ पाए आप? यस सर। जी सर। जी सर। आप तैयबा आप बताएंगी कि क्या है? सर इसमें ये जैसे मेरा प्री सर्विस टीचर्स की परसेप्शन थी, तो इसमें मैं फ्यूचर रिसर्च के अगर सजेशन देना चाहूँ तो इसमें ये हो सकता है कि इन सर्विस टीचर्स की परसेप्शन होनी चाहिए, फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी परसेप्शन होनी चाहिए कि वो किस तरह अपने स्कूल्स में ये ग्लोबल सिटीजनशिप की इम्प्लीकेशन कर रही हैं। फिर जैसे यहाँ इंटरव्यूज सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के बारे में बात की गई है, तो आप इस तरह भी हो सकते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये इम्प्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। इस तरह डिफरेंट जो वेज हैं कि एक की परसेप्शन हाईलाइट की है, दूसरे की भी होनी चाहिए, उनका भी क्या फायदा होगा अगर आप उस पर रिसर्च कंडक्ट करें फ्यूचर में। जबरदस्त, आप समझ गए हैं। और जो बाकी जो हैं वो भी इंशाल्लाह, जो नहीं समझ पाया इंशाल्लाह वो जब इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आप खुद बताएंगे कि ये क्या है। उसके बाद जो है वो APA स्टाइल में रेफरेंसेस जो हैं वो आपके मौजूद होने चाहिए। एक चीज जो जिस पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ, बल्कि मैं स्टूडेंट को कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ना आपका थीसिस चाहे कंप्लीट हो गया, मैं ये कहता हूँ कि पहले आपको इसे एंड नोट के जरिए से ये सारे रेफरेंसेस जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, पूरी रेफरेंस लिस्ट उसके साथ कंप्लीट करें। जब ये रेफरेंस लिस्ट कंप्लीट होती है तो ये साथ साथ होता है काम। मसलन अगर आपने एंड नोट यूज किया है तो फिर तो ये साथ साथ ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाती है, जो यूज कर रहे हैं उन्हें इस चीज का पता है, और जिन्हें जो नहीं यूज कर रहे फिर उन्हें मैं किसी स्टेज पे इसके बारे में ट्रेन करूंगा कि ये क्या चीज है और कैसे की जा सकती है। आप लोग जो जिन्होंने SPSS की क्लास अटेंड की है वो वाकिफ हैं। कौन कौन है? आबिद है जी सर, मैं हूँ, तैयबा है, मरियम नाज, नहीं मरियम भी नहीं है, मामा ने सर, आयशा अर्शद है। अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो हैं जो जो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपको कुछ चीज गाइडेंस की जरूरत हो तो इन्हीं से पूछ लें, जब तक मैं कोई वर्कशॉप टाइप कोई चीज आपको उनको
सिखा नहीं देता। फिर उसके बाद आती है आखिर पे आप अपनी इंटरव्यू गाइड जो है जो आपने सेपरेटली डेवलप की होती है उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट होता है। ये जो नाइला और क्या नाम है महनूर जो फाइनल स्टेज पे हैं दोनों जी महनूर बुखारी बेटा ये करते हैं कि इसमें से दो जो हैं ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं द बेस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, यानी जो आप समझते हैं कि दो इंटरव्यूज जो सबसे बेहतरीन गए हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होनी चाहिए। ये नहीं करना कि सारे के सारे इंटरव्यूज किसी एक स्टूडेंट के मैंने डिलीट किए हैं सारे बकाया। सर वो मेरे किए होंगे क्योंकि मैंने सारे डाले थे यहाँ पे। हाँ बेटा ये नहीं करना, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट वन और ट्रांसक्रिप्ट टू जो है वो इंसर्ट करना। कोडिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली जब डाटा एनालाइज किया जाता है तो फिर एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है वो यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, लेकिन वो अभी एडवांस लेवल की बात है, अभी हमने शुरू की बात करनी है जहां से आपने टाइटल को लेके चलना है। ये सारा मकसद मेरा यही था कि आपको एक दफा थीसिस का ओवरव्यू दे दूं कि एक थीसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। एक आउटलाइन सी मैंने डेवलप की है, मैं अब वही बात कर रहा हूँ कि 4000 वर्ड्स के करीब तो आपके पहले ही डेवलप हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं मसलन ये जो फॉन्ट साइज है ये सारा तय किया हुआ है पहले से ही, आपको सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट करनी है। ये जो 3-3 महीने के अंदर अंदर थीसिस कंप्लीट करते हैं उसकी वजह भी यही है कि ये टेम्पलेट जो है उसमें से एक वजह ये है कि ये टेम्पलेट जो है ना ये सक्सेसफुल रहा है कि स्टूडेंट्स को बॉदर नहीं करना पड़ता कि जी फॉन्ट साइज क्या रखना है, किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया यहाँ से बता दूं। नरजिस आपका क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, एक मिनट सब्र कर जाए। ये जो एक और जो कंसेप्ट है यहाँ पर उसको जरा समझाने की जरूरत है और वो है जी वो है स्टाइल्स का। खालसा नरजिस आप क्वेश्चन पूछ लें, ये ना हो आपका क्वेश्चन भूल जाए। सर अभी जो 20,000 वर्ड्स है ना वो चैप्टर टू चैप्टर डिफरेंट है या ओवरऑल हमने 20,000 वर्ड्स लिखने हैं? बैकग्राउंड में करना पड़ता है वो हर हाल में करना है आपने, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो 20 है, लेकिन पीछे स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो 36-37,000 वर्ड्स का थीसिस भी सबमिट करके गए हैं, लेकिन वो वक्त और था मैं एक्सेप्ट कर लेता था, अब नहीं एक्सेप्ट करता। उसकी वजह ये है कि इतनी ज्यादा एडिटिंग जो है बाद में उसको पढ़ना उसको एडिट करना, स्टूडेंट जिस तरह से सेंटेंस लिखता है वो भी आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो उस ये एक फिर मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 20 की, तो आप 20 तक रखें। इवन जो क्वांटिटेटिव वाले हैं वो 60,000 वर्ड्स का भी थीसिस लिखते हैं क्योंकि उनके उनसे वर्ड्स लिखे नहीं जाते, उनके पास टेबल्स होते हैं तो उन्होंने थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखने होते हैं और उनका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास जो है क्वालिटेटिव रिसर्चर वो स्टोरीज होती हैं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स की, तो ये जो क्या कहते हैं मानूर बुखारी और नाइला बता सकती हैं एक एक पार्टिसिपेंट से उन्होंने तकरीबन 15-15 जो वर्ड्स हैं वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिए थे, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर लिखे तो वो तो और ही बढ़ गए फिर। तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में कि इसका थीसिस जो है वो जरा बल्कि हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको विद इन लिमिट्स ही रखें, कोशिश करें कि ये इसका पेट ज्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है अब
जी अब उसके बाद जो है ना, मैं ये जो मानूर और नायला और दूसरे भी जो हैं ये जरा गौर करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने ना फॉर्मेटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया था अभी रिसेंटली। तो देखें, जब ये तो फॉर्मेटिंग जरा देखें, चैप्टर वन है, सॉरी चैप्टर है, तो उसकी स्टाइल में अभी मेरे ये जो माउस का जो पॉइंटर है उसको जरा देखें, ये कहाँ पे है? हेडिंग वन पे। हेडिंग वन, तो स्टाइल जो है हर एक इसका स्टाइल है हेडिंग वन। अब उसके बाद ये जो है इसका स्टाइल क्या है? हेडिंग टू है सर। अगर आप इसको देखें तो इसके नीचे जो 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 स्टाइल के अंदर जो चीजें सेट की गई हैं वो ये है कि ये टाइम्स न्यू रोमन में हो, न्यू रोमन जी सर, ये 12 साइज इसका 12 हो, ये बोल्ड हो और ये लेफ्ट अलाइंड हो। ये तीन चार जो सेटिंग्स हैं वो एक क्लिक के साथ की जा सकती हैं। मसलन मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको हेडिंग टू क्लिक करता हूं, क्या हुआ इससे कि इस पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो जो जो हमने जो जो फंक्शंस कहे हुए थे, कमांड्स कही हुई थी, वो एक साथ लग जाती है। लेकिन मैं अब रिमूव कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पर इस सारे जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करें और इस पे आप पैराग्राफ लगाएं, ठीक है? कौन सी? ठीक हो गया सर, पैराग्राफ सर। कौन सा स्टाइल है? पैराग्राफ सर। सर ये वाली ऑप्शन, मेरे वाला जो वर्ड है ना उसमें ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, ये पैराग्राफ वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर वो टेम्पलेट यूज किया तो उसके अंदर मौजूद है, आप थोड़ा सा उसको टेक्स्ट के उस तरह सेलेक्ट करके रखे तो फिर आ जाएगी वो। ये देखें कि ये पैराग्राफ स्टाइल में नहीं है, ये कौन से में है? ये न्यू पैराग्राफ में है। हम इसको वापस जो है वो पैराग्राफ में लाते हैं तो ये अपने उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ ये टेक्स्ट आएगी। आपने जैसे ही हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ होता है वहां पे पैराग्राफ स्टाइल लगाना है और उसके बाद जो भी पैराग्राफ होगा उस पे आपने न्यू पैराग्राफ की। समझ आ रही है बातें? मुश्किल कर रहा हूं आज? नहीं सर, इजी है, समझ आ रही है। हेडिंग है, हेडिंग के नीचे ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ है उसको आप पैराग्राफ का स्टाइल देंगे। लेकिन अब आगे मैं यहाँ टाइप करता हूँ नया पैराग्राफ तो वो उसका जो स्टाइल होगा वो न्यू पैराग्राफ स्टाइल होगा और ये स्पेस भी नहीं होनी चाहिए ऐसे। अब यूं मैं टाइप किए जा रहा हूं, कभी ऐसे भी थी से लिखने देता कोई? अब फिर तो एक दिन में बन जाना ऐसे ही है। ये मसलन एक पैराग्राफ लिखा है, अब नया पैराग्राफ लिखने के लिए ये देखिए कि ऑटोमेटिकली इसमें न्यू पैराग्राफ स्टाइल जो है आपका लगाना शुरू किया। इसमें और ऊपर वाले में फर्क सिर्फ ये है कि ये यहाँ पर टैब यूज करता है, शुरू में टैब यानी स्पेस होती है और सेंटेंस जो है आपका कुछ स्पेस के बाद शुरू हो रहा है। खालिद साहब कोई क्वेश्चन है आपका? सर मैं कर सकती हूँ? नहीं सर। नो सर, बहुत अच्छा इजी है सर, ये बड़ी गाइडेंस मिल रही है और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फ्यूचर में काम आसान होगा। नहीं तो ये भी एक फियर था कितना बड़ा डॉक्यूमेंट इतने सफों का कैसे लिखा जाना है। सर आप तो इसमें कोई इतनी हर्डल्स भी नहीं रह गई हैं, जितना काम आपने हमें दे दिया ये टेम्पलेट के जरिए आप तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। चले अल्लाह खैर करे आप आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जी नायला इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। मैंने वो सर आपके ही वाला टेम्पलेट यूज किया और उसमें सारा मैंने एक्सप्लोर किया है। वो एक्चुअली सर मेरी विंडोज पुरानी है और मेरा लैपटॉप सर ये मुझे थीसिस करा देते इसकी मेहरबानी होगी। ये जो अभी आपने पैराग्राफ और न्यू पैराग्राफ की बात बताई है सर, क्या हम इसको मतलब वैसे खुद से भी तो कर सकते हैं कि अगर हमारा पैराग्राफ है तो उसको लेफ्ट अलाइन रखा जाए और जो हमारा न्यू पैराग्राफ आएगा उसको हम टैब वन टैब प्रेस कर दें तो वो मेरी बात सुन जी सर।
की वजह ये है कि ये जो है बैकग्राउंड के बाद मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, मसलन मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड के बाद मैंने लिखना है जी एक और हेडिंग देनी है, वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। फर्ज कर लेते हैं जो स्क्रीन पे देख रही है क्या लिख रहा हूँ, जी जी सर, ऑफ द स्टडी। अब ये जो है इसका चेक कर लेते हैं कि हेडिंग स्टाइल क्या है, हेडिंग टू है जी, ठीक है। अब जरा नोट रखें कि चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, इंट्रो, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। वापिस आ जाएं, यहां पर क्या है बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट, ये सारे सारे से एक ना रेफरेंस बनता जा रहा है इंडेक्स का जी, ये पहले से तैयार है लेकिन अब जो चेंजेस की हैं वो इस तरह से मैं क्लिक करता हूं तो अभी आपने जो चेंजेस वहां पे क्या कराई हैं अभी, जी जी सर, वो बैकग्राउंड और वो एंड था और ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी उसने उसको अलग कर दिया। तो ये जो टेबल ये पढ़ता है ना ये स्टाइल से पढ़ता है कि ये टेबल इसने जब भी क्रिएट करना है जब तक वहां पे स्टाइल में मौजूद नहीं है ये नहीं पढ़ सकेगा, यानी आपकी आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो एक्यूरेटली उसी वक्त बनेगा जब आपने प्रॉपरली स्टाइल्स को फॉलो किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो इसलिए यही आपसे गुजारिश है कि आप रेगुलर टेम्पलेट को देखें और फिर उसके हिसाब से ये सारे जो हैं वो सेट करें, जो फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, सेकंड लेवल की हेडिंग है या आगे थर्ड लेवल की भी हेडिंग्स हैं तो वो अप्लाई करें उसी तरह, ठीक है। चलें इसके साथ आप लोगों का टास्क बता दूं, नेक्स्ट टास्क जी आबिद और ये सारे जितने भी जो जो न्यू न्यू हमारे रिसर्चर्स हैं ये सारे जरा नोट करें कि आपने टास्क क्या कंप्लीट करना है। आपने अपनी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करनी है, अब तक जो भी लिखी है ये टेम्पलेट आज शेयर कर दूंगा तो सर। आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट वहां से उठा उठा के यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ठीक हो गया सर। मरियम नाथ गायब हो गई है, मरियम नाथ सर वो नमाज पढ़ने गई है। उमियानी आप नोट कर रही हैं कि क्या टास्क दिया है, जी सर मैं लिख रही हूँ जी। पहला ये है कि जितनी भी टेक्स्ट अभी तक लिखी है वो यहाँ शिफ्ट करें, ये जो इनको प्रीलिमिनरी पेजेस कहते हैं वो सारे कंप्लीट करें, ये कोई मसला नहीं है। और लंबी चौड़ी करने की बजाय सीधा साधा डेडिकेट कर दें किसी एक बंदे, दो चार बंदों के एक एक सेंटेंस से काम पूरा हो जाए, ये लिखें। ये प्रीलिमिनरी पेजेस यानी एक्नॉलेजमेंट के ये शुरू का पेज जो है ये कंप्लीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अब तक जिन्होंने अपना ये जो रिसर्च आर्टिकल लिखा था वो अपनी टेक्स्ट जो है उठा के सारी की सारी रेलेवेंट सेक्शन में लिखें, एब्स्ट्रैक्ट अगर है तो उसको यहाँ पर लिखें, कीवर्ड्स हैं तो उनको यहाँ पे ट्रांसफर करें, अगर इंट्रो की चीजें हैं तो उसे इंट्रो में रखें, और जो चीजें मेथोडोलॉजी से ताल्लुक रखती हैं उन्हें मेथोडोलॉजी में रखें, और जो लिटरेचर रिव्यू ये टेबल्स खास तौर पे आप लोग जो हदीका, मानूर और ये तीसरी जो शारूज हैं ये मरियम और युमेहानी भी आप अपने जो टेबल आपने क्रिएट किए उन्हें वो टेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, बड़े ध्यान से फॉर्मेटिंग का ख्याल रखते हुए टेक्स्ट को यहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे ये जो टेबल्स हैं, ठीक है कर लेंगी जी सर। जी सर तो सर मेरा जो टेक्स्ट है ना वो नहीं नहीं सर मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो टेबल है ना उसमें अभी काफी प्लेजरिज्म है तो काम तो आज कंप्लीट हो जाएगा लेकिन प्लेजरिज्म रिमूव करने में मुझे एक दो दिन लग जाएंगे। बेटा मैंने एक हफ्ते के बाद दोबारा आपको इसके बारे में पूछना है तो इसका मतलब है कि मीनवाइल आप सारे काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर।
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक तक के लिए ये काम काफी है या फर्दर और दूं मेहानी? सर काफी है सर, ये जिन लोगों ने कर लिया, जो लोग थोड़ा सा पीछे हैं उनको आप ना दें, जो थोड़ा आगे हैं उनको दे दें, उनको दे दें, मुझे दे दें। अच्छा आपको दे दूं, आपने टेबल क्रिएट कर ली है। जी सर, मैंने प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी आपको सेंड कर दी हुई है। जी जी बिल्कुल, बहुत सर मुझे भी कोई एक टास्क और दे दें ताकि। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है। हाले साहब जरा लगन देखें बच्चों को, माशाल्लाह सर। जी ये सब के साथ आप शेयर कर देंगी तो इसके बाद जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। आप लोग अभी इनिशियल वर्किंग करेंगे, ठीक है। इनिशियल वर्किंग ये है कि टॉपिक लिखें, अपना पर्पस लिखें, ओवरऑल क्वेश्चन लिखें, या ओवरऑल क्वेश्चन या ओवरआर्चिंग क्वेश्चन जिसे कह रहे हैं, अपना रिसर्च डिजाइन लिखें कि आप के स्टडी मिक्सड मैथड्स के स्टडी कर रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी करना चाह रहे हैं, फिनोमेनोलॉजी करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर फिनोमेनोलॉजी और केस स्टडी में ही फॉल करेंगे। ये दो चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद अपना कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, आपको आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं जरा, अब मैं चाहूंगा कि आप उन आर्टिकल्स के कंसेप्ट को यूज करें और वहां से एक्सट्रैक्ट करें कि उन लोगों ने, अगर किसी ने ऐसा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज किया है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज किया है जो आपको बहुत रेलेवेंट लगता है, ये जिन्होंने SPSS और NVivo की क्लास पढ़ी थी उन्हें कुछ आइडिया होगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए फिर हम उन्हीं की डायमेंशंस को यूज करते हुए रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख के फिर हम उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन और फिर आगे उनको एड्रेस करने के लिए डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस मेथड कौन से यूज करेंगे। तो ये कांग्रुएंसी टेबल मेरे ख्याल है नायला और दूसरी जो मानूर हैं बुखारी, मानूर बुखारी, आप भी ये बनाएं ताकि आपका जो क्वेश्चन अभी बार बार आपके जहनों में परेशान आपको कर रहा है कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये क्या चीज है, कैसे डेवलप किया जाए। आप पूरी स्टडी कंडक्ट कर चुके हैं, अब आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है सारा, ठीक है, जो कुछ आपने कर लिया, जिन जिन डायमेंशंस को आपने एक्सप्लोर किया उस पे आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। आपसे एक दो एग्जांपल्स मैं शेयर कर दूंगा कुछ पुराने स्टूडेंट्स की, ये टेबल बना हुआ पड़ा होगा शायद, लेकिन वो उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली ये नहीं होगा, शायद इससे कुछ डिफरेंट हो। बहरहाल मैं शेयर करूंगा, आपने इसके हिसाब से, इसी तरह उसका टाइटल होगा मेथोडोलॉजिकल कांग्रुएंसी टेबल, फिर टॉपिक पर्पस ओवरआर्चिंग क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन और इस तरह ये सारी चीजें आप लिखेंगे। तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है ओवरऑल, यानी कि जो मेरा टॉपिक उसके रिलेटेड, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन टीचिंग है, तो सर उसके लिए जो मैंने फ्रेमवर्क यूज किया है उसमें उसने 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हैं जो तकरीबन 2000 से स्टार्ट हुई हैं, तो अब तक जो हो चुकी हैं करंटली प्रीवियस स्टडी में सर, उसमें जो 7 पॉइंट हैं उनमें 7 पॉइंट्स को जो है ना वो अपने ऑब्जेक्टिव में और अपने रिसर्च क्वेश्चन में डेवलप करूंगा। ओ बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे ही है, फिर उन्हीं पे ही आप आगे रिसर्च अपना जो इंटरव्यू गाइड है उसको उसी तरह अलाइन करेंगे और उसी तरह डेवलप। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, आपके टास्क के नेक्स्ट एक वीक के बाद हम दोबारा मिलेंगे, ये टास्क आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।